अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। वायलेंस 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 आई अवॉइड, वायलेंस लाइक्स मी। बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड का नाम फिर से रोशन कर दिया है और सिर्फ पहले हफ्ते में ही पठान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करके ब्लॉकबस्टर का टैग भी हासिल कर लिया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं पठान फिल्म के 7 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को इंडियन सिनेमा की 3 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में RRR, बाहुबली 2 और KGF Chapter 2 के 7 दिनों के कलेक्शन के साथ में, और जानेंगे कि पहले हफ्ते में इन चारों फिल्मों में से किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा RRR, बाहुबली 2, KGF 2 और पठान में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें 2022 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर फिल्म RRR के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था इंडियन सिनेमा के नंबर 1 डायरेक्टर SS राजामौली सर ने। इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे तेलुगु सिनेमा के 2 बड़े सुपरस्टार, मेगा पावर स्टार रामचरण, यंग टाइगर जूनियर NTR। फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन का भी कैमियो था और इस फिल्म में आलिया भट्ट, श्रेया सरन भी देखने को मिले थे। बताना चाहूंगा दोस्तों, इस फिल्म का बजट था 500 करोड़ रुपए और इस फिल्म को दुनिया भर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में 11,000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया था। बात करें RRR के शुरुआती 7 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों RRR फिल्म ने शुरुआती 7 दिनों के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन 477 करोड़ 50 लाख रुपए का किया था। वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 560 करोड़ रुपए और फिल्म ने 7 दिनों में ओवरसीज मार्केट से 150 करोड़ की कमाई की थी। इसी के साथ दोस्तों RRR का शुरुआती 7 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हुआ था 710 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने पहले हफ्ते में 710 करोड़ की कमाई की थी और RRR फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित रही थी। वही दोस्तों बात करें 2017 में रिलीज हुई इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली 2 के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया था इंडिया के नंबर 1 डायरेक्टर SS राजामौली सर ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास, उनके साथ नजर आए थे राणा दग्गुबाटी, अनुष्का शेट्टी, राम्या कृष्णन, तमन्ना भाटिया। बताना चाहूंगा दोस्तों, बाहुबली 2 का जो क्रेज था उस टाइम पर नेक्स्ट लेवल पर था और बाहुबली 1 की सफलता के बाद सभी लोग बाहुबली 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जब बाहुबली 2 सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। जी हां दोस्तों, अगर बात करें बाहुबली 2 के शुरुआती 7 दिनों के कलेक्शन के बारे में, तो लगभग 250 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म बाहुबली 2, जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा टोटल 5 भाषाओं में रिलीज किया था, इस फिल्म ने अपने शुरुआती 7 दिनों के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन 545 करोड़ का किया था और इंडिया ग्रोस कलेक्शन था 695 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बाहुबली 2 ने 7 दिनों के अंदर ओवरसीज मार्केट से 165 करोड़ रुपए कमाए थे, यानी कि बाहुबली 2 का 7 दिनों के अंदर जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो रहा था 860 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली 2 7 दिनों में 860 करोड़ की कमाई दुनिया भर से कर पाई थी और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अभी तक इंडिया के नंबर 1 ब्लॉकबस्टर बनी हुई है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें 2023 के नंबर 1 इंडियन फिल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे कन्नड़ा एक्टर यश और उनके साथ नजर आए थे बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी और रवीना टंडन। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी एक्शन ड्रामा फिल्म KGF चैप्टर 2 जो पिछले साल रिलीज हुई थी। अब दोस्तों इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट TV पर और OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी ऑडियंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर रहा था, जबकि KGF 1 कन्नड़ा सिनेमा की एक बड़ी
ब्लॉकबस्टर बनी थी, जिसके चलते ही दोस्तों यहां पर केजीएफ चैप्टर 2 की जो हाइप है वो पिछले साल नेक्स्ट लेवल पर चली गई थी। और जब केजीएफ चैप्टर 2 सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई की उसे देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 जिसका बजट सिर्फ 100 से 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, और इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज किया था, और फिल्म ने 5 भाषाओं से दमदार कलेक्शन किए थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केजीएफ चैप्टर 2 ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 165 करोड़ का किया था, वही दूसरे दिन 128 करोड़ रुपए, तो तीसरे दिन 137 करोड़ रुपए, चौथे दिन 127 करोड़ रुपए, पांचवें दिन 66 करोड़ रुपए, वही छठे दिन 52 करोड़ 52 करोड़ रुपए, और सातवें दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 43 करोड़ का। यानी कि दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 का शुरुआती 7 दिनों में जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हुआ था वो रहा था 719 करोड़ का। बता दें दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 2023 की इंडियन सिनेमा की नंबर 1 ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। दोस्तों बात करें 2023 के नंबर 1 इंडियन फिल्म पठान के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 में अभी तक जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है हिंदुस्तान में, उन सभी फिल्मों से कहीं ज्यादा कलेक्शन पठान फिल्म का इस साल रहा। हालांकि दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 7 दिन ही हुए हैं, लेकिन शुरुआती 7 दिनों के अंदर ही पठान ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का कलेक्शन किया है, ऐसा कलेक्शन कर पाना अब आने वाले समय में बॉलीवुड की फिल्मों के लिए काफी मुश्किल होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पठान एक एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, और उनके साथ नजर आ रही है दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम। तो दोस्तों आपको बता दें कि पठान का बजट है सिर्फ 250 करोड़ रुपए, लेकिन इस फिल्म को केजीएफ, ट्रिपल आर और बाहुबली जैसे 5 भाषाओं में नहीं सिर्फ 3 भाषाओं में रिलीज किया है। जी हां दोस्तों, यहां पर पठान फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु 3 भाषाओं में दुनिया भर के अंदर सिर्फ 8,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है, लेकिन पठान के पास भले ही कम स्क्रीन है और कम भाषाओं में रिलीज की गई है, उसके बावजूद में पठान के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो पूरी तरह से कमाल के रहे। फिर चाहे फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन हो, वीकेंड के कलेक्शन हो या फर्स्ट वीक कलेक्शन हो, पठान ने बॉलीवुड के जितने भी रिकॉर्ड थे वो पूरी तरह से तोड़ दिए हैं। अगर बात करें पठान फिल्म के डे वाइज कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों पठान फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 106 करोड़ का किया था, वही दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 113 करोड़ 60 लाख रुपए का रहा था, तो तीसरे दिन 94 करोड़ रुपए, वही चौथे दिन पठान फिल्म ने दुनिया भर से 116 करोड़ की कमाई की थी, और पांचवें दिन फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 114 करोड़ रुपए रहा था। तो दोस्तों फिल्म ने शुरुआती 5 दिनों के वीकेंड में तो तगड़ी कमाई की, लेकिन वीकडेज आते ही फिल्म के कलेक्शन में एक ड्रॉप देखने को मिला, और पठान फिल्म ने अपने 6 दिन यानी कि मंडे वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 42 करोड़ का किया, वही पठान फिल्म ने अपने 7वें दिन यानी कि मंगलवार वर्ल्ड वाइड मार्केट से 37 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसी के साथ दोस्तों पठान फिल्म का शुरुआती 7 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 624 करोड़ का। जी हां दोस्तों, यहां पर पठान फिल्म ने सिर्फ 7 दिनों में दुनिया भर से 624 करोड़ की शानदार कमाई की है, और पठान फिल्म बॉलीवुड की अब तक के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों अगर आपने ट्रिपल आर, बाहुबली 2, केजीएफ 2 और पठान ये सभी फिल्में देखी है, तो इसमें से आपको सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और पठान फिल्म के डेली वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल एकेबी मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।